हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मेडिकल की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूरोवेट D3 टेबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस टेबलेट का उपयोग हम क्यों करते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों, और इसका कब यूज किया जाता है, तो गाइस ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके दोस्तों। तो गाइज बात करते हैं बिना देरी लगाए हुए इस टेबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस टेबलेट का उपयोग हम मुख्य रूप से जैसे किसी प्रकार से पोषण तत्व की कमी है या किसी प्रकार से शरीर में खनिज की कमी है तो इसमें इसका उपयोग हम करते हैं। भूखने लगती है तो इसमें इसका उपयोग हम करते हैं। शरीर कमज़ोर है, थका हुआ है, तब भी इसका उपयोग हम करते हैं दोस्तों। तो इन सारी समस्याओं में इसका उपयोग हम करते हैं गाइज, यानी मिथाइलोकोबालामिन इसमें साल्ट होता है, अल्फा लिपोइड एसिड उसमें साल्ट होता है, विटामिन B3 इसमें होता है, ये सारे इसमें होता है, हाइड्रोक्लोराइड इसमें होता है, फोलिक एसिड इसमें होता है, तो ये सारे साल्ट होते हैं इसमें। तो इन छह दवाओं का मिश्रण इसमें होता है गाइज। तो इस प्रकार इसका उपयोग हम जिससे विभिन्न प्रकार से शरीर में पोषण की कमी होती है, शरीर में विटामिन कमी होती है, फोलिक एसिड कमी होती है, तो इन सारी समस्याओं में इसका उपयोग हम करते हैं गाइज। इसके अलावा जैसे गर्भवती महिला होती है उनमें बच्चों के विकास के लिए भी इसका उपयोग हम करते हैं गाइज। तो पोषण के विकास के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। सारी मतलब शरीर से कमजोरी महसूस होती है तो उसके लिए भी इसका उपयोग हम करते हैं। विटामिन कमी होती है तो उसमें इसका उपयोग हम करते हैं गाइज। अब गाइज बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। जी हाँ दोस्तों, इस टेबलेट को लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो गाइज इस टेबलेट को लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे उल्टी होना, मतली होना, शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने होना, कमजोरी महसूस होना, थकान होना, जिसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर इससे कोई भी समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे मिल सकते हैं दोस्तों, और ये दवा आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है। बिना सलाह से दवा न ले आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर दवा मिल जाएगी दोस्तों। बात करते हैं इस दवा को कब ले और कैसे ले। तो गाइस इस दवा को आप जैसे रात को या सुबह खाना खाने के बाद में आप इस दवा को ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर को बताए उसके अनुसार आप इस दवा को ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह भी ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद में आप इस दवा को ले सकते हैं। तो गाइज आपको हमारी बताई हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।